आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आए हैं जिसकी मान्यता इतनी है कि जब भी यहाँ पर मेला लगता है तो 10 लाख के करीब श्रद्धालु जो है यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। और ये जगह है जय बाबा चमलियाल जी की। आज हम आपको यहाँ लेकर चलते हैं, यहाँ की हिस्ट्री पता करते हैं और इस पूरे देवस्थान के आपको दर्शन भी करवाते हैं। ये पूजनीय स्थल बाबा दिलीप सिंह मन्हास जी की याद में बनाया गया है और उन्हें बाबा चमलियाल भी कहा जाता है। ये पूरा परिसर है और जम्मू से अगर इसके डिस्टेंस की बात की जाए तो जम्मू सिटी से जख एरिया आता है, वहाँ से आप टर्न करके यहाँ स्थान तक पहुँच सकते हैं। इस गांव का नाम दक्षन्नी है और जम्मू से इसका लगभग डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। परिसर आप देख सकते हैं। अगर कहानी की बात की जाए तो कहानी का बताया जाता है कि आज से 300 वर्ष पहले जब बाबा जी यहाँ पर पूर्ण रूप से रहते थे तो यहाँ अलग अलग गांवों में जाके वो लोगों की मदद किया करते थे। उनके पास एक घोड़ा रहता था जिसकी मदद से वो दूर दूर तक जाते थे। कहीं पर भी गांव वालों को दिक्कत होती थी, कोई परेशानी होती थी, तो वो उनकी परेशानी को दूर कर देते थे। और बाबा जी को जो गाँव के लोग हैं वो बहुत मानते थे और काफ़ी प्रचलित वो हो चुके थे, उनको एक संत के रूप में लेते थे। उनकी महानता के चर्चे इतने हो गए थे कि दूर दूर तक लोग उन्हें एक महान संत के रूप में लेने लगे थे। लेकिन जहां एक तरफ उनकी महानता बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। उसी ईर्ष्या को देखते हुए बताया जाता है कि उन्हें सैदा वाली गाँव, जो इस वक्त पाकिस्तान के सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 किलोमीटर वो गाँव है। और कहा जाता है कि कुछ जो ईर्ष्या उनसे लोग करने लगे थे, उन्होंने वहाँ पर उनको बुलाया, इनवाइट किया। वो वहाँ पर गए अपने घोड़े को लेकर और उन्हें धोखे से, यानी कि धोखे से उन पर वार किया गया। और वार के दौरान उनकी जो गर्दन थी वो उसी सैदा वाले गांव में जो है वो वहाँ गिर गई। और बताया जाता है कि उनमें इतनी शक्ति थी कि जो उनका धड़ था उनके घोड़े के साथ वो इस जगह तक आया और यहाँ पर उनका धड़ जो है यहाँ आकर गिरा। इतनी महानता थी उनमें। और तब से ही इस जगह को उनके नाम कर दिया गया और इस जगह को चमलियाल कहा जाने लगा। ये जो जगह मैं बता रहा हूँ, अभी आपको अंदर भी लेके चलूँगा, यहीं पर उनका धड़ है। और अगर मैं बाहर बताऊँ, कहा जाता है कि ये, और अगर इस तरफ भी बताऊँ आपको, तो ये दो जो है ये इनकी बाजू बताई जा रही है, यानी कि धड़ के साथ उनकी बाजू भी यहाँ, ये देखिए ये बाजू कही जाती है। और आज से यानी कि 300 साल पहले की ये बात है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग नहीं यानी कि एक ही हुआ करता था, तब की ये बात है। यही बाबा जी का मेन स्थान है, यानी कि धड़ का। बाजू मैंने पहले बता दी कि बाजू जो थी उनका स्थान बाहर बनाया गया है और ये धड़ का स्थान है। यहीं पर माथा टेकने के लिए, अपनी मन्नतों के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से आते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि फॉरेन से भी यहाँ पर लोग आते हैं, इतनी मान्यता है यहाँ पर। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो गर्दन है वो पाकिस्तान में है, सैदा वाली गाँव जो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ही है। तो ये स्थान, बाबा जी जिस घोड़े का इस्तेमाल करते थे या जिस घोड़े के ज़रिए वो यहाँ से दूसरे स्थान तक जाते थे, और जिस घोड़े के ज़रिए उनका धड़ इस स्थान तक पहुँचा था, उन्हें भी एक स्वरूप दिया गया है और वो है ये उसी समय से बनाए गए हैं। और अभी के समय की बात की जाए तो जो अभी उस घोड़े का स्वरूप दिया गया है तो वो ये देखिए, ये सामने ही है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं शक्कर वाली जगह पर, जो इस जगह की विशेषता भी है और लाखों लोगों के इसके इस्तेमाल से उनके चर्म रोग दूर हो गए हैं। इन्हीं सीढ़ियों के उस तरफ
यही वो शक्कर का स्थान है। कहा जाता है कि बाबा चमलियाल के एक भक्त थे जिन्हें चर्म रोग हो गया था, यानी कि शरीर पर उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और उन्हें जो है रात के वक्त बाबा चमलियाल में सपने में आकर दर्शन दिए थे और उनसे कहा था कि जहाँ पर मेरा स्थान है वहाँ जाओ और वहाँ की माटी जिसे शक्कर कहा जाता है और शरबत जिसे पानी कहा जाता है उसका इस्तेमाल करो, लगातार उसका इस्तेमाल करो और तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, वक्त यहाँ पर आया, उसने माटी यानी कि जो शक्कर है और शरबत का इस्तेमाल किया और वो ठीक हो गया। उसके बाद से लाखों लोग आज तक इस जगह पर आ रहे हैं और उसी तरीके से जो मान्यता है जो शक्कर और शरबत की वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने चरम रोग जो हैं उनके बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का बॉर्डर जो बिल्कुल इसके सामने ही है। वो देखिए फेंसिंग, LOC की फेंसिंग है यहाँ, अगर हम आपको दिखा पा रहे हो, यह हमारे BSF का टावर है और उसके बिल्कुल सामने जो पेड़ आप देख रहे हैं उसके बैक साइड पाकिस्तान है, यानी कि जो पेड़ दिखाई भी दे रहे हैं वो भी LOC यानी कि पाकिस्तान की तरफ के पेड़ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम इस वक्त कहां पर खड़े हैं। और एक बात और है इस जगह की, यानी कि जो कहा जाता है कि जो गर्दन जहाँ पर बाबा चमलियाल जी की घिरी थी पाकिस्तान में, उस जगह पर भी मेला वगैरह लगता है, वहाँ के लोग भी इस जगह को काफ़ी मान्यता देते हैं, काफ़ी श्रद्धालु वहाँ पर भी जाते हैं। और इस धड़ की जगह पर वहाँ से हर साल जो है चादर चढ़ाई जाती थी, यानी कि वहाँ से चादर यहाँ भेजी जाती थी, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की जाती है, शेलिंग की जाती है, उसके बनस्पत आज से 3 से 4 साल पहले BSF के 4 जवान हमारे जो यहाँ पर शहीद हुए थे, उसके बाद से वहाँ से बिल्कुल भी जो है जो यहाँ पर श्रद्धालु आते थे या किसी का आना जो है वो बंद कर दिया गया था। तो ये है यहाँ की विशेषता। और आपका अब शक्कर वाली जगह भी लेकर चलते हैं, वो भी दिखाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं शरबत के स्थान पर। ये कुआं है और ये जो पानी है इसी को यहाँ पर शरबत कहा जाता है। हम भी शरबत निकालते हैं और इसकी मान्यता यही है, यहाँ की जो शक्कर है और शरबत है इसी के इस्तेमाल से लोगों के जितने भी चरम रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। और लाखों के करीब श्रद्धालु हर साल जब यहाँ मेला लगता है उस दौरान आते हैं, और वैसे भी रोज़ यहाँ पर काफ़ी लोग हर रोज़ जो है वो आते रहते हैं जिनको भी चरम रोग होता है। और अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो मेले के दौरान 10 लाख के करीब यहाँ श्रद्धालु भी आते हैं। पिछले 2 साल की बात की जाए तो कोविड के दौरान इसे कैंसिल किया गया, हो सकता है कि आने वाले साल में ये शुरू हो जाए। और अगर यहाँ लंगर की बात की जाए तो पूरे तरीके से वो व्यवस्था भी है, हर साल यहाँ पर लंगर भी लगाया जाता है और जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उन्हें भी यहाँ पर प्रसाद जो है वो ग्रहण करने के लिए दिया जाता है। तो ये वो शरबत है, जिसको भी अगर चरम रोग होता है तो ज़रूर यहाँ पे आइए, मान्यता के अनुसार उनका चरम रोग ज़रूर दूर होगा। ज़्यादा दूर नहीं, सिटी से बिल्कुल अगर इस जगह की बात की जाए तो डिस्टेंस 40 किलोमीटर है जम्मू सिटी से। ये गांव है दग छन्नी और रामगढ़ सेक्टर के अंडर ये आता है। और शांति यहाँ पर आपको अलग ही जगह का एहसास देगी। बताइएगा हमारा ये आज का सफ़र आपको कैसा लगा। नमस्कार। अशोक कुमार है सर। अशोक जी, क्या पूरी ये मतलब क्या आपको स्किन डिजीज है? जी सर। तो कब से आप ये कर रहे हैं? मेरे को सर लगभग हो गया है 2-2.5 साल हो गया सर इसको, तो अभी 4-5 दिन ही हुआ सर मेरे को यहाँ पे आए हुए, अभी कर रहा हूँ तो धीरे धीरे हो रहा था आराम। मतलब कब से आपको प्रॉब्लम? 2-2.5 साल हो गया? हाँ, लगभग इतने दिन सर हो गया सर, 2-2.5 से ज़्यादा ही हो गया सर। अच्छा, तो इतनी आपको है मतलब बाबा जी में यकीन है कि सब चीज़? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% श्योर है। कितने दिन तक आप ये करते रहो? मैं सर अब करूँगा 41 डेज, क्योंकि मेरी बटालियन यहीं पर है तो 41 डेज करूँगा सर। आप BSF में हो? जी। ओके 41 डेज के मतलब इसमें परहेज क्या? हाँ सर, 41 डेज उसका पूरा रहेगा और 21 दिन इसका अलग परहेज रहेगा। परहेज क्या होता है? वही सर परहेज, अपना आना मीठ दारू नहीं आना, नीचे सोना है, खट्टी मीठी चीज़ नहीं खाना, तड़का नहीं खाना है, मतलब साधुओं जैसा जीवन। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, नाखून वगैरह नहीं काटने, सब मतलब ऐसे ही रहना। ये जब लगानी है कितनी देर तक? ये जो ये 2 घंटे तक लगानी है सर।
अभी कितनी देर हो गया? अभी 2 घंटे हो गया सर मेरे को। तो अभी आप यहीं पर नहाओगे? हाँ सर, नहा ये शरबत के पानी से, मतलब ये शक्कर यहीं से लगानी और इसी पानी से खाना है? जी यही पानी नहाना यही पीना है सर। चलिए चलिए आप कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितनी मान्यता हो, और यहाँ पर ये 2 घंटे से यहाँ पर थे शक्कर के साथ, और अभी ये शरबत जो है इसी से ये स्नान करेंगे।